हेलो, ऐसा बोल पीके, पीके। बोल ना, इधर इधर इस साइड। तो फ्रेंड फाइनली हम आ चुके हैं अभी माथेरान का रेलवे स्टेशन। यहाँ से छोटी ट्रेन है जो माथेरान जाती है। आई थिंक 2-3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती, हम लोगों ने किया नहीं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैडम उधर पहले से चढ़ गए, अब आपका टिकट है, फिर ऐसे करते चढ़ गए, टिकट ला ठीक है। और हरी भाई हम लोग के साथ में है, अभी हम लोग अंकल हंस रहे हैं। सब बोले 2 महीने पहले बुक हो जाती है। अच्छा ऐसा कुछ बोल रहे, 2 महीने पहले बुक हो जाती है। चलो 10-20 रुपये दे के यार हमारा जस्ट करवा दो, अगर हो जाता रहेगा तो। हाँ सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग टैक्सी से निकल चुके हैं। इधर से कितना टाइम लगेगा इनको? सारा टाइम लगेगा भाई 20 मिनट। ये भी उधर पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ इनको सारा पता है। 20 मिनट लगेंगे और काफी इधर का व्यू जो है ना बेहतरीन है। और अभी से फीलिंग जो आ रही है ना नेक्स्ट लेवल वाली, चाय वाली। अभी हमने रेस बन रही चाय वाली, सो इसका भी आप देख लेना, मैं आपको इधर से भेज देता हूँ ठीक है लिंक। और ये हमारे हरीश भैया देखो, इनको सारा पता है ना मुंबई का, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता, मुंबई में रहता हूँ तो भी, लेकिन इनको सब कुछ पता है तो ये सारा चीजें बताएंगे। आई थिंक हम लोग इनका भी चैनल है यूट्यूब का, उनको भी कर। तो इनका प्रमोशन कर दे पहले। इनका भी है, हरीश भाई का भी है, मेरा भी है। मोटे मेरे लिए बोल लाइक करो, तीनों को लाइक करो एंड सब्सक्राइब। हाँ इसका भी शॉर्ट चैनल है, शॉर्ट बनाती वीडियो, और हम लोग का जो है व्लॉगिंग चैनल है। तो हरीश भाई हाँ जी, आज की पार्टी तुम रखो तो मैं भी स्टार्ट करूं, मेरे भी बना, मुझे भी ब्लॉग बनाना है मेरा भैया। भाई सब कैमरा मैन ही है इधर, तो चलो हम लोग उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं और यहाँ से हम करेंगे ट्रैकिंग। और अब मैडम का हाल पूछते हैं क्या हाल होगा। अब जंगलों में ट्रैकिंग होगी वो भी ठीक है। उसके बाद हरीश पता नहीं क्या करने गए, वो कुछ कर रहे हैं ना, वीडियो नहीं वो कुछ कर रहे हैं। वो नेहरू है, ये नेहरल है, ये कर्जत के पास है, वो वासी के पास है नेहरू, और ये कर्जत कल्याण के पास है जो। सो गाइस ये घोड़े घोड़े की खच्चर है। हाँ तो नेट तो गायब भी होगा ना, जंगल में आए हम फॉरेस्ट एरिया में। तो ये जो घोड़े जो हैं, इन घोड़ों से हम राइड भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग पैदल ही जाएंगे। और अभी तो स्टार्टिंग हुआ है और देखो मैडम की हालत अभी बहुत लंबा है। और इधर से डिसाइड कर लो घोड़े पे जाना है कि पैदल जाना है। अगर बीच में बोला कि घोड़ा करो तो फिर नहीं। हाँ मैं हरीश भाई इनको पूछ रहा हूँ अभी से डिसाइड करो घोड़े पे जाना कि पैदल, बोल रहे पैदल। मैं बोला रास्ते में नहीं बिठाऊंगा। अच्छा कैब लेनी है? कैब कैब हरीश भाई कैब की रेट पूछो तो। नहीं नहीं ऊपर भी कैब बहुत है। सो गाइस बारिश में पूरी लाल लाल मिट्टी हो जाती है अभी क्या ही बताऊं यार आपको। ये देखो ये चढ़ाई और क्लाइमेट बहुत अच्छा है ठीक है। ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं मतलब, लेकिन ठंड इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ये हाथ पैर कांप जाए, लेकिन अच्छा क्लाइमेट है। और आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब ठीक समझ रहे हो ना, समझ जाओ। फटाफट चलते हैं और फिर आपको एंजॉय कराते हैं। और स्वीटी तो पूरी थक चुकी है, लेकिन इसको अभी ले जाना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है ये? इको पॉइंट, यहाँ से आवाज देंगे तो सामने रिफ्लेक्शन आएगा, आवाज आएगी। अच्छा इको पॉइंट। प्रकाश 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 वॉइस ऑफ पीके प्रकाश लेके आया रात को ठीक है। सो फ्रेंड्स आ गया है हमारे पास लंच,
और लंच में तो बहुत सारी वैरायटी है और नाम मुझे पता नहीं, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। एक थोड़ी दाल जो है वो उसको पहचानता हूँ, रोटी है उसको पहचानता हूँ, और ये मिक्स वेजिटेबल है, और मुझे बता दो ये भिंडी है, और बाकी खाते हैं। एक बेसन के गट्टे की सब्जी है। हाँ, बेसन के गट्टे की सब्जी जो राजस्थानी और गुजराती का फेवरेट डिश है, मेरा भी फेवरेट। और एक वेज कोल्हापुरी है। अच्छा, पंजाबियों का भी मिक्स वेज कोल्हापुरी है। मिक्स वेज यार, हम लोग कोई मेन्यू बुक लेके बैठे ऑर्डर ले रहे हैं इनका। तुम तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको शाम का व्यू दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ का सनसेट जो है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, और अभी हम लोग जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे कि एको पॉइंट्स है, म्यूजिक पॉइंट्स है, मंकी पॉइंट है, मैगी पॉइंट है, मंकी पॉइंट। हाँ, वहाँ पे हम जाएंगे और आपसे मिलाते हैं मंकियों को, ठीक है। तो आप देखना, हम भी एक तरह के मंकी है। चलो हमारे वंश। सो फ्रेंड्स, फाइनली इवनिंग के होते हो सब नशे में है गाइस। सो गाइस, फाइनली हंसो मत यार, ये देखो ये लोग हंस रहे हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4, और हम लोग वापस अभी हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं, और जंगल में चल रहे हैं आगे का। गाइस वाली रुक तो जा, मुझे ले, तू बोल ले इसको, ये लो है, बोल बोल। हेलो गाइस, एवरीवन, कैसे हो, गुड इवनिंग। हाँ, और बस ये बन गया, लो भाई वायरल हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड और आपको दिखाते हैं उधर का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। और थक तो यार जाते ही हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ना, तो यहाँ पे ये सब चीजें होती रहती है, जंगल है ना। हाँ, तो फॉरेस्ट ही बोलते हैं जंगल। हाँ, या तुम मेरी इंग्लिश मत तोड़। हाँ, फॉरेस्ट जंगल वही। सो गाइस, फाइनली हम अभी आ चुके हैं एको पॉइंट पे। यहाँ की जो खासियत है वो है कि हम कोई भी आवाज़ करेंगे तो उसकी रिपीट आवाज़ आएगी, उसको बोलते हैं एको पॉइंट के नाम से फेमस है। और भाई ये कितना डीप में है यार, पीके, ए पीके भाई, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में फॉलो भी कर दो। ओ, ओ, भाई बड़ा तगड़ा वाला सीन हुआ, ये तू भी कर। सो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं लुजिया पॉइंट। अच्छा, पता नहीं कौन से पॉइंट है यहाँ पे। एक रेस्टोरेंट आई है, और अभी चलते हैं आगे के साइड पे, बिकॉज गर्मी भी है यार, हम लोग थक भी चुके हैं, पैदल आए ना। लोग क्या करते हैं ना, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हम तो खाली पैदल राइडिंग कर रहे हैं। ये युवक राइडिंग कहाँ पे भाई, थक चुके। कहाँ पे, वो सामने में देखते जाओ, ये सामने का व्यू है। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स, ये जो व्यू है वो काफी नेक्स्ट लेवल है, और काफी मजा आ रहा है, बिकॉज हम थक भी चुके हैं यार। थकना तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आप खड़े होके, अभी तो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, अगर आप, पता है ना, रील और रियल में बहुत फर्क आता है। तो कभी आप इस जगह पे आओ तो ये वाले प्लेस पे जरूर विजिट करना, बिकॉज बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं आपको क्या कुछ क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी चीज है। लुइसा पॉइंट, और जहाँ पे हम अभी गए थे एको पॉइंट, एको पॉइंट वो रहा एकदम सामने, आपको दिख रहा होगा। वहां से जो हम जो चिल्लाए थे वो आवाज यहाँ से टकराती है और उसका एको बनता है। सो अभी हम चलते हैं आगे की साइड पे, और आगे भी कुछ अच्छे अच्छा व्यू है, तो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है ना बंदर बहुत है, आपको मोबाइल लेके भाग जाते हैं। अभी हरीश भाई के पीछे फट गया था। ये डर गए, तो चलते हैं आगे के साइड। मैडम उठो, ओ मैडम, डिंपल जी उठो, ये डिंपल जी, चलो तो अभी चलते हैं आगे की साइड। हरीश भाई आगे, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं।
सो गाइज टाइमिंग हो चुका है 6:31, सनसेट भी हो गया है और अभी हम जा रहे हैं रिजॉर्ट, बिकॉज बहुत थक चुके हैं, पैरों में ताकत नहीं है। फटाफट से जाते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर नाइट में आपसे मिलते हैं, ठीक है, क्लब में जाने के बाद, क्योंकि उधर भी डिस्को होगा ना, और समझ ही रहे हो ना थकान के बाद क्या चीज़ करनी पड़ती है, तो समझ जाओ तो आसमत। इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, जंगलों में है गाइज, सो इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे। रूम पे हम लोग आ चुके हैं और एक बार आपको रूम का रिव्यू दे देता हूँ कि किस टाइप का रिव्यू है। मस्त रूम है, डिलक्स रूम है, डिलक्स डुप्लेक्स, हाँ डुप्लेक्स भी है भाई, नीचे भी रूम है ऊपर भी रूम है, लेकिन आपको पता ही है ना, तो यहाँ पे कुछ है नहीं है। ये वाला बालकनी है, बालकनी से आपको दिखाते हैं व्यू, किस टाइप का व्यू है। ये इस टाइप का व्यू है बालकनी का, पूरा जंगल ही है माथेरान, तो पूरा जंगल हो जाता है। यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, हरीश भाई बना रहे, और ये बेड है अपना, ये है डुप्लेक्स, यहाँ पे रेडी होने के लिए, ये दो यहाँ है, लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो।